जय माता की दोस्तों। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जो गाड़ी में बैटरी होती है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी गाड़ी के लिए, क्योंकि गाड़ी इसके बिना ना तो गाड़ी स्टार्ट हो सकती ना ही बाकी के सब काम हो सकते हैं। इसमें कोई ऑपरेशनल कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। तो दोस्तों बैटरी को हमेशा से ये कहा जाता है कि कार की बैटरी मेंटेनेंस फ्री होती है, इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, इसमें किसी तरीके की पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये गलत है, क्योंकि गाड़ी के जो बैटरी होती है उसमें पानी डलता ही डलता है। बट हाँ, उसका ड्यूरेशन जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन 7-8 महीने में आप एक बार पानी डाल सकते हैं, तो आपकी गाड़ी की जो बैटरी लाइफ है वो इम्प्रूव रहेगी, मतलब अच्छी रहेगी। अभी क्या होता है, जो कंपनी फिटेड जो बैटरीज आती हैं उसकी जो कैपेसिटी होती है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। आपने नोटिस किया होगा कि जो कंपनी फिटेड बैटरीज आती हैं, जो नई गाड़ी लेते हैं तो उसके साथ आती है, तो वो 1.5 से 2 साल मैक्सिमम चलती है, किसी किसी की 2.5 साल भी चल जाती है। बट मेरी गाड़ी में 2 साल के लगभग ये चली है बैटरी, और अभी डाउन होना शुरू हो गई है। दैट मीन्स कि अगर इसमें 3-4 सेल्फ से ज़्यादा अगर हम मारते हैं तो ये बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है, मुझे भाई धक्का ही मारना पड़ता है। तो ऐसे में क्या है कि अगर आपको बैटरी को चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इसमें पावर है या नहीं है, तो इसमें एक गुंजाइश है आपके लिए, वो ये है कि इसमें आप पानी डाल के थोड़ी सी बैटरी की पावर को इम्प्रूव करने की आप ट्राई कर सकते हैं। बट उसमें यह भी देखना होगा कि इसमें बैटरी में जान है भी या नहीं। इसकी प्लेट्स के अकॉर्डिंग आपको प्लेट से ही देख के पता चल जाएगा कि बैटरी मतलब आगे चलने लायक है कि नहीं है। फिर भी आप इसमें थोड़ा अगर पानी कम हो और आपको लगे कि डालना चाहिए, तो इसमें पानी आप थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। और पानी डालना कौन सा है, आपका डिस्टिल वाटर होना चाहिए, यानी कि आरओ वाटर हो, उसको आप बॉईल कर लीजिए और बॉईल करके ठंडा कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट रहता है बैटरी के लिए। तो मेंटेनेंस फ्री कुछ नहीं होता भाई, बैटरी में भी पानी डलता है, हर 6 से 7 महीने में आप चेक करिए। हाँ, बट ये है कि इन बैटरीज में जो गाड़ियों में लगती है, इनमें लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद पानी की थोड़ी सी ज़रूरत महसूस होती है। आप कंपनी में सर्विस कराते हैं तो भी आपको बोलना पड़ेगा स्पेशली उनको कि बैटरी चेक कर लेना, बैटरी का पावर मुझे कम लग रहा है, तभी वो पानी का चेक करते हैं, अदरवाइज वो पानी नहीं चेक करते हैं। समय समय पर इसको 6 से 7 महीने में आप चेक करते रहेंगे इसका पानी, तो आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो 1.5 गुना से ज़्यादा हो जाएगी। जी हाँ, तो ये आप चेक करते रहिए टाइम टू टाइम, और आप देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें पानी डालना है, कहाँ से इसमें पानी डलेगा और क्या बैटरी की कंडीशन है, क्योंकि मेरी बैटरी 2 से 3 सेल्फ ही ले पाती है, इसके बाद हो जाती है बिल्कुल डिस्चार्ज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यह है एक्साइड की बैटरी, आपको कोई टर्मिनल नहीं उतारना है, कुछ नहीं करना है। जिनमें एक्साइड की ऐसी वाली बैटरी लगी है, सिर्फ ये दो इसके कवर्स हैं, ये दो कवर आप उतारेंगे तो इसमें बैटरी के ढक्कन आपको दिख जाएंगे, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, इतना डालना है कि इतना मतलब थोड़ा सा एक आधा इंची के लगभग मुँह से खाली रहे, पूरा फुल नहीं भरना है, क्योंकि फिर वो पानी जो है उबल उबल के बाहर ही निकलेगा और फिर बाकी के पार्ट्स पर गिरेगा, लोहे के पार्ट्स पर जो गिरेगा जैसे इधर उधर, तो फिर वो गलाएगा धीरे धीरे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे खोलना है इसको। और जिसके यहाँ एमरॉन की बैटरी लगी है उसमें पेंच टाइप से ना वो लगे होंगे, मतलब ढक्कन जो होंगे पेंच टाइप होंगे, तो आप उसको पेचकस से खोल सकते हैं फिर सिंपली। इसमें तो बहुत आसान है, आप ऐसे करेंगे, ये देखिए, ये आप कर देंगे। तो दोस्तों पानी डालने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देख सकते हैं आप कि इसके जो प्लेट्स हैं दिख रही होंगी आपको, ध्यान से देखेगा, पानी तो हालांकि इसमें थोड़ा ही कम है, बट इसमें जो प्लेट्स हैं वो धीरे धीरे इसकी ख़राब होना शुरू हो गई हैं। ध्यान से देखिए, प्लेट्स जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, इसमें आड़ी टेढ़ी होने शुरू हो गई हैं। इसमें भी थोड़ा सा यही हाल है और इस वाले पॉइंट में भी यही हाल लग रहा है, देखिए। तो ये एक सिंबल है, एक सिम्टम्स हैं कि आपकी बैटरी ही ख़राब हो गई है। अगर मैं इसमें पानी डालूंगा भी तो शायद ये ना चल पाए, फिर भी मैं इसमें पानी डाल के थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ। बट ये दोस्तों, अगर बैटरी को खोलने के बाद आपको पता चले कि प्लेट इसकी आड़ी टेढ़ी तिरछी हैं, उबड़ खाबड़ हो गई हैं, क्योंकि प्लेट बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, अगर स्ट्रेट नहीं है दैट मीन्स कि प्लेट इसकी ख़राब होना शुरू हो गई है और इसकी बैटरी का बैकअप भी डेफिनेटली कम हो जाएगा। फिर भी मैं इसमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि पानी तो थोड़ा कम है ही, चलेगी तो ठीक, नहीं तो फिर इसको रिप्लेस ही कराना पड़ेगा।
मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया लास्ट वाले पॉइंट में, क्योंकि ये फिर निकल करके बाहर ही आएगा, तो मैंने पानी डाल दिया है। अब इसके ये क्लिप्स लगा देता हूँ। तो पानी हमने डाल दिया है दोस्तों, अब इसको चला के देख लेते हैं। एक दो दिन में इसका पता चल जाएगा, या तो ये इम्प्रूव होगा, और वैसे इम्प्रूव नहीं होगा अगर, तो आपको बैटरी चेंज कराने की फिर ज़रूरत है ही। तो आप इसको एक्सचेंज करा सकते हैं, मीन्स ये बैटरी बदले में आप दे करके दूसरी बैटरी ले सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो वैसे तो बैटरी में अभी इतनी पावर है कि 2-3 सेल्फ तो ये आराम से ले लेती है। लाइटिंग भी जल रही है, देख लीजिए आप। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट तो कर दिया। और दोस्तों कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आप बैटरी में पानी डाल रहे हैं तो उसको खड़ी गाड़ी में डालने के बाद उसको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर जरूर चलाइए, क्योंकि बैटरी जब आप पानी डालते हैं तो एकदम से उसका पावर ड्रॉप होता है बहुत जल्दी नीचे। आप इसको पानी डालने के बाद 1.5-2 घंटे तक छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा पावर ड्रॉप हो जाएगा, और हो सकता है बिल्कुल ही डाउन हो जाए आपकी बैटरी। तो बैटरी में पानी डालने के बाद आप इसको 7-8 किलोमीटर चला लीजिए, उसके बाद फिर खड़ी करिए और 2-3 दिन थोड़ा चलाइए। जैसे आप ऑफिस जाते हैं या कहीं भी टूरिंग पे जाते हैं तो 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर डेली जैसे चलेगी, तब आप नोटिस करिएगा कि इसमें बैटरी में कुछ फ़र्क आया या नहीं आया। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगा जल्दी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें।